मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास होता है, और यदि मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाए तो मनुष्य का शरीर नश्वर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बातें कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला, और मैं हूँ डॉक्टर वत्सला शर्मा। ये जो मैं भी आपसे बातें कर रही थी ना, इससे आज मैं समझाने जा रही हूँ आपको एक लीगल मैक्सिम। तो चलिए जान लेते हैं लीगल मैक्सिम क्या है। सेशेंट रेशन लेजिस सेसेट इप्सा लेक्स, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, इस मैक्सिम में कहा गया है कि विधि का औचित्य समाप्त हो जाने पर विधि भी समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि जो भी लॉ बने होते हैं वो किसी ना किसी जस्टिफिकेशन पर बेस होते हैं, यानी कि उनका कोई ग्राउंड होता है। पर मान लिया जाए कि यदि वो ग्राउंड ख़त्म हो गया, अर्थात वो औचित्य ख़त्म हो गया, तो उसके समाप्त हो जाने पर विधि भी समाप्त हो जाती है। हर विधि किसी न किसी औचित्य यानी कि ग्राउंड पर ही बेस है, जस्टिफिकेशन पर ही बेस है। तो यदि वो जस्टिफिकेशन ही नहीं है तो फिर लॉ का क्या मतलब रह जाएगा? इसका मतलब जैसे ही जस्टिफिकेशन या ग्राउंड या जिसको कि मैं औचित्य बोल रही हूँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके साथ ही साथ विधि भी समाप्त हो जाएगी। मतलब बात तो वही हो गई ना कि शरीर में आत्मा का वास है, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर नश्वर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से विधि में भी जो उसका जस्टिफिकेशन है, जो उसकी ग्राउंड है, जो उसका औचित्य है, वो विधि की सोल है, विधि की आत्मा है। और यदि वो सोल ही ख़त्म हो जाएगी तो विधि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।